तो गाइस 2023 आ चुका है एंड इस साल हम लोगों को बहुत सारे अमेजिंग एंड ऑसम वगैरह एनिमे देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले 2023 के टॉप कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं एंड तुम लोगों को मैं कुछ एनिमेस सजेस्ट भी करने वाला हूँ जो तुम लोग देख सकते हो। तो बात करते हैं गाइस आज इसके बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना। बहुत सारे आप लोगों को नए नए एनिमेस का भी नाम सुनने को मिलेगा, तो जरूर से एंड तक देखना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एनिमे से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह के लिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है। तो गाइस सुजो मेनो तोजीमारी यहाँ पर पीवीआर ने एक दिन पहले अनाउंस किया था कि वो इंडिया के अंदर आने वाला है, लेकिन उन्होंने तभी रिलीज डेट अनाउंस नहीं किया था। तो मैंने इसका अपडेट तुम लोगों को पिछले वीडियो पे भी दिया था, लेकिन भाई कल रात को हम लोगों को पीवीआर की तरफ से जानने को मिला है ये जो सुजो मेनो तोजीमारी वाली मूवी है ये आने वाला है इंडिया के अंदर 21 अप्रैल को। तो गाइस फाइनली सुजो मेनो तोजीमारी आने वाला है इंडिया के अंदर 21 अप्रैल को। तो अभी भी सारे 3 महीने बचे हुए हैं, बहुत लॉन्ग टाइम हम लोगों को वेट करना पड़ेगा इस मूवी के लिए। लेकिन भाई सब्र का फल मीठा होता है, तो वेट करो एंड जितना हो सके इसको लीगली सपोर्ट करो। तो गाइस बात करते हैं 2023 के टॉप 10 एनिमीज के बारे में। तो गाइस इस लिस्ट में नंबर 10 पे आता है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन। तो हाँ नाम कुछ अजीबोगरीब टाइप का है एंड थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग भी है इसका नेम, लेकिन भाई ये एनिमे काफ़ी अच्छा होने वाला है। तुम में से जिन लोगों को रोमांस टाइप का एनिमे देखना पसंद है तुम लोगों के लिए ये एनिमे स्पेशली होने वाला है। इसमें तुम लोगों को रोमांस देखने को मिलेगा, कॉमेडी देखने को मिलेगा एंड स्कूल टाइप का भी ये एनिमे है। इसका रिलीज डेट है 7th of January, आज है 3rd January, यानी कि अभी 3 दिन बचे हुए हैं। तो भाई तुम लोग जाकर इसको ज़रूर से ट्राई करो, काफ़ी अच्छा एनिमे होने वाला है। तो गाइस नंबर 9 पे आता है बंगो स्ट्रे डॉग्स सीजन 4। तो गाइस इसका रिलीज डेट है 4th of January। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं भाई इस एनिमे के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, मैंने पहली बार इसका नेम सुना है। तो इसके 4 सीजन्स है, तो सबसे पहले तो भाई तुम लोग इसके तीनों के तीनों सीजन को क्लियर करो, देन इसको जाकर देखो, इसके सीजन 4 को जाकर देखो। तुम लोग इजीली इसको क्लियर कर सकते हो 1-2 हफ्ते के अंदर। जहाँ तक बात करें इसके कैटेगरीज के बारे में, एक्शन मिस्ट्री सुपर पावर सुपर नेचुरल, तो तुम लोग इसको जाकर ट्राई कर सकते हो। तो इसका रिलीज डेट है 4th of January। तो याद रखना भाई बंगो स्ट्रे डॉग सीजन 4, सबसे पहले भाई तुम लोग इसका बाकी के 3 सीजन जो है वो क्लियर कर लो, इसके बाद सीजन 4 देखो। एंड तुम इसे जिन लोगों ने इसका सीजन 1, 2, 3 देख के रखा है तो एनिमे कैसा है जरूर से मेरे को कमेंट में बताना। नंबर 8 पे आता है टोनिकावा ओवर द मून फॉर यू सीजन 2। तो इसका अभी तक रिलीज डेट नहीं निकला है, सिर्फ यहाँ पर बताया गया है 2023 को आएगा। तो इसका सीजन 1 मैंने भी देखा है भाई, ये रोमांस वाला एनिमे है। तो गाइस इसका सिंपल सा स्टोरी है भाई, एक लड़का एक लड़की होती है जैसे कि हर एक रोमांस वाले एनिमे में होता है। एंड वो जो लड़का एंड लड़की है वो मे बी यहाँ पर उन दोनों का एज शायद से यहाँ पर 16 होता है, तो 16 ईयर एज में वो दोनों शादी कर लेते हैं, देन हैप्पी लाइफ। एंड यही है इसका शॉर्ट स्टोरी तुम लोग बोल सकते हो। आई थिंक तुम लोगों ने इसका नेम सुना होगा पहले भी, टोनिकावा ओवर द मून सीजन 2। तो इसको जाकर तुम लोग देख सकते हो, अभी भी इसका रिलीज डेट नहीं आया, जब आएगा तो मैं अब तुम लोगों को बता दूंगा श्योरली। नंबर 7 पे आता है द मिसफिट ऑफ डेमन किंग एकेडमी सीजन 2। इसका रिलीज डेट है 8th of January। बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से देख भी लिया होगा इसका फर्स्ट सीजन। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इसको जाकर सबसे पहले क्लियर करो, 12 एपिसोड है, तुम लोग एक ही दिन के अंदर क्लियर कर सकते हो। 8th of January अभी भी 5 दिन है भाई, इजिली तुम लोग क्लियर कर दोगे। तो जाकर देखो इसके सीजन 2 को, काफ़ी अच्छा एनिमे है, मैंने भी देख के रखी है इसको। नंबर 6 पे आता है क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3। तो जिन लोगों ने क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 1 एंड सीजन 2 देख के रखा है तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है ये कितना ओवर पावर एंड अंडररेटेड एनिमे है गाइस। यहाँ पर भाई काफ़ी बढ़िया एनिमे है, एनिमेशंस भी अच्छे हैं। हालांकि यहाँ पर सीजन 2 का एनिमेशन में थोड़ा यहाँ पर कुछ गड़बड़ था, लेकिन भाई फिर भी ओवरऑल ये जो एनिमे है इसका जो स्टोरी है, इसका जो मेन कैरेक्टर है आयानो कोजी, कियोटाका आयानो कोजी, ये जो कैरेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर है एंड भाई इसका दिमाग भाई मतलब घोड़े की तरह दौड़ता है। तुम में से जिन लोगों ने क्लासरूम ऑफ द एलीट देख के रखा है तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है ये कितना ज़्यादा ओवर पावर एनिमे है, ज़रूर से जाकर इसको देखना। जुलाई पे मोस्ट प्रॉब्ली आएगा, 2023 में आएगा ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है, मोस्ट प्रॉब्ली ये जुलाई पे आएगा। तो इसको जाकर ट्राई करना ज़रूर से, 2023 का ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे होने वाला है, ये मैं बिल्कुल लिख कर दे सकता हूँ। नंबर 5 में टोक्यो रिवेंजर्स। टोक्यो रिवेंजर्स भाई हम लोगों को पता है टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 2 आने वाला है 7th of January को, भाई आ ही गया है, अभी 3 ही दिन बाकी है एंड हम लोगों को देखने को मिलने वाला है एक बार फिर से ताकेमिची कुन एंड हिना, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था भाई। स्पेशली रोमांस भी है इसमें, एक्शन भी है, ज़्यादातर तो स्कूल फाइट्स है
एंड हम लोगों को बहुत सारे नए चेहरे भी देखने को मिलने वाले इस सीजन के अंदर। हम लोगों को माइकी देखने को मिलेगा एक बार फिर से, मजा आने वाला है भाई टोक्यो रिवेंजर्स देखने में एक बार फिर से भाई। जनवरी को आएगा, इसके एनिमेशन तो मैं कहूंगा उतने अच्छे नहीं है, लेकिन भाई इसमें एनिमेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भाई ये नॉर्मल फाइट है, गैंग वाली फाइट है, एनिमेशन का उतना भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन भाई वो लोग फिर भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो भाई, इसका जो स्टोरी लाइन वगैरह है काफी बढ़िया है। टाकेमिची भाई आवर क्राई बेबी हीरो, तो इसको जाकर जरूर से ट्राई करना होगा। इस टोक्यो रिवेंजर्स 7th जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। नंबर 4 पे आता है वन पंच मैन, जो आने वाला है 2023 को। इसका रिलीज डेट अभी तक नहीं आया है, मैं अगर प्रेडिक्ट करूंगा तो मेरे ख्याल से ये नवंबर को आ सकता है, यहाँ पर 2023 के विंटर में, विंटर के टाइम पर आएगा शायद से, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को जहाँ तक लगता है नवंबर तक आ जाएगा या फिर इससे पहले भी आ सकता है। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर वन पंच मैन का सीजन 3 के लिए बहुत लोग वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो गारो वर्सेस वन पंच मैन वाला जो फाइट है वो मोस्ट प्रॉब्ली इस सीजन के अंदर हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो स्पेशली मैं काफ़ी ज़्यादा दिनों से इसके लिए वेट कर रहा हूँ, तो आई होप कि ये जल्द से जल्द आ जाएगा। नेक्स्ट में आता है विनलैंड सागा सीजन 2, जो आने वाला है 9th जनवरी को। तुम लोगों को इसके बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है, कितना अंडररेटेड एनिमे है तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ऊपर से मापा इसको एनिमेट कर रहा है वो भी तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है भाई। अगर तुम लोगों ने इसका अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है तो जाकर क्लियर कर लो। 9th जनवरी है, अभी भी लगभग तुम लोग बोल सकते हो 6 दिन का टाइम है तुम लोगों के पास, इजीली देख सकते हो 12-20 जो भी एपिसोड्स है, जाकर देखो विनलैंड सागा सीजन 1 को, दिन सीजन 2 जब आए बिल्कुल उसके ऊपर झपट पड़ना। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तुम लोगों को ये एनिमे देखना चाहिए, विनलैंड सागा सीजन 2 9th जनवरी को आने वाला है। नंबर 2 पे आता है अटैक ऑन टाइटन द फाइनल सीजन पार्ट 3। तो फाइनली अटैक ऑन टाइटन का लास्ट सीजन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है इस साल को। अभी तक इसका रिलीज डेट नहीं आया है, लेकिन भाई अटैक ऑन टाइटन का फाइनल हम लोगों को देखने को मिलेगा इसी साल को। एंड एट द लास्ट द डेमन स्लेयर जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, द वन ऑफ द मोस्ट हायर एनिमेशन एनिमे डेमन स्लेयर फाइनली आने वाला है इस साल को, अप्रैल में आने वाला है। इसका रिलीज डेट अभी तक नहीं बताया गया है, सिर्फ मंथ बताया गया है, अप्रैल में आएगा, 2023 में आएगा। द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे गाइस डेमन स्लेयर, जरूर से जाकर इसको देखो। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है डेमन स्लेयर को, सारे के सारे आर्क्स कंप्लीट कर दो इसी दिन में, तो जरूर से जाओ डेमन स्लेयर देखो। एंड जो शॉर्ट विद विलेज वाला आर्क है जो अप्रैल में आने वाला है, तो उसको भी जाकर जरूर से देखना गाइस। तो हाँ गाइस, ये रहा मेरा टॉप 10 का लिस्ट। एंड इसके अलावा भी तुम लोग और भी कुछ एनिमेस ट्राई कर सकते हो। तो इसके अलावा तुम लोग देख सकते हो टोमो चान इज ए गर्ल, ये भी रोमांस वाला एनिमे है, 5th जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। स्पाई क्लासरूम, ये एक्शन वाला एनिमे है, इसमें स्पाई वगैरह भी होंगे। एंड ये भी 5th जनवरी को स्टार्ट होने वाला है। देन नेक्स्ट में आता है कुबो वोंट लेट मी बी इनविजिबल, 10th जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ये भी रोमांस टाइप का एनिमे है। एंड एट द एंड नायर ऑटोमाटा वर्जन 1.1A। तो ये जो एनिमे है ना, ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। इसका जो ट्रेलर आया था मैंने इसको देखा, तो इसके अंदर कुछ 1 मिलियन, करीबन 1 मिलियन का यहाँ पर व्यू था इसके ट्रेलर के अंदर। जहां तक बात करें इस एनिमे की स्टोरी लाइन के बारे में, तो ये जो एनिमे होने वाला है ये फ्यूचर बेस्ड होने वाला है। इसमें तुम लोगों को बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज वगैरह देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्यूचर टाइप के एनिमे, साइबर पंक एज रनर्स तुम लोगों ने अगर देखा होगा लाइक दैट, वैसा ही एनिमे देखने को मिलेगा, या फिर तुम लोग बोल सकते हो उससे भी कुछ ज्यादा ही तुम लोग को देखने को मिल सकता है। अच्छा एनिमे होने वाला है मेरे ख्याल से, तुम लोग जाकर इसको ट्राई कर सकते हो। 8th जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। एंड इसके अलावा मैंने तुम लोग को बाकी एनिमेस के बारे में तो बता ही दिया है। तो मोचान इज अ गर्ल 5th जनवरी से, स्पाई क्लासरूम 5th जनवरी से। स्पाई क्लासरूम में ज्यादातर लड़कियां है, इसलिए मेरे को जहां तक लगता है ये एनिमे उतना भी ज्यादा खास नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने तुम लोगों को टॉप 10 के अंदर ये सजेस्ट नहीं किया था। देन इसके बाद कुबो वोंट लेट मी बी इनविजिबल, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, आई डोंट नो। तो हाँ गाइस, मेरे लिस्ट में सिर्फ इतना ही एनिमे था, आई होप तुम लोग को पसंद आया होगा। तो गाइस, इस साल तुम लोग कौन से एनिमे के लिए सबसे ज़्यादा वेट करके बैठे हो, जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना। एंड हाँ, मैंने कुछ मिस कर दिया है या फिर नहीं, जरूर से मेरे को ये भी कमेंट करके बताना। तो गाइस, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा। लेकिन टाटा बाय करने से पहले, जो भी चैनल पर हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। तो बस, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।